आखिर स्नैक्स के पैकेट्स पर इस तरह के कलरफुल सर्कल्स क्यों बने होते हैं, और दोस्तों व्हाट्सएप पर भेजे गए इमेजेस और डॉक्यूमेंट्स पर इस तरह के नंबर्स क्यों होते हैं, ये जानकर तो आप हैरान हो जाएंगे। तो इसे गलती से भी मिस मत करना। आखिर क्यों किसी भी स्पोर्ट्स में प्लेयर्स खेलते वक्त अपने हाथ में ये क्या चीज पहनते हैं और क्यों पहनते हैं, और ट्रक्स पर ऐसी आंखें क्यों बनाई जाती हैं, और तो और वॉश बेसिन में ये छेद क्यों होता है। इन सभी चीजों के पीछे छुपे राज और पर्पस आज हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को देखना एंड तक। नंबर 10, वाइल लेटर ई इज नॉट इन यूज टू रिप्रेजेंट द ग्रेड्स। आप सभी को ग्रेड्स में मिलने वाली रैंकिंग्स के बारे में पता ही होगा। अब ए ग्रेड को तो टॉपर्स अच्छे से पहचानते होंगे और डी को बैक बेंचर्स। लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है कि इस ग्रेडिंग सिस्टम में ए से लेकर डी तक के ग्रेड्स होते हैं, उसके बाद सीधा एफ आता है जिसका मतलब होता है फेल, लेकिन बीच में से ग्रेड ई कहीं नहीं होता। क्या आप जानते हैं ई को ग्रेडिंग सिस्टम से बाहर क्यों रखा गया है? असल में दोस्तों पहले के जमाने में ई ग्रेड से फेल को रिप्रेजेंट किया जाता था, तो कुछ लोग उस वक्त ई ग्रेड का मतलब एक्सीलेंट समझ लेते थे, और इसी कंफ्यूजन को हटाने के लिए 1930s में ग्रेडिंग सिस्टम के अंदर से ई ग्रेड को हटा दिया गया था। खैर ये रीजन काफी लॉजिकल भी है। नंबर 9, व्हाई स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू यूज रेड एंड ग्रीन पेन्स। दोस्तों अगर आप स्कूल जाते हैं तो आपको पता होगा कि स्कूल में स्टूडेंट्स को रेड और ग्रीन पेन का इस्तेमाल करना मना है, बल्कि इन पेन्स को लेकर ये अफवाह तक थी कि रेड पेन को चलाने से खून जलता है और रेड पेन डेविल इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए रेड पेन डेविल की निशानी होती है वगैरह वगैरह। आज आपको ये सब फनी लग रहा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि स्कूल में रेड और ग्रीन पेन इस्तेमाल करने के लिए मना क्यों किया जाता था? ये रूल ऐसे ही नहीं बनाया गया था, बल्कि इसके पीछे एक खास पर्पस होता है। असल में दोस्तों ब्लू और ब्लैक पेन को सभी इस्तेमाल करते हैं, ऐसे में जो हाई पोजीशन वाले लोग जैसे प्रिंसिपल और टीचर्स होते हैं उनके रिमार्क्स की पहचान करना मुश्किल होता है, इसीलिए टीचर्स प्रिंसिपल और बड़े बड़े हाई रैंक ऑफिसर्स अपनी अथॉरिटी को दिखाने के लिए ग्रीन या रेड पेन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक टेक्निकल रीजन भी होता है, ग्रीन और रेड पेन की जेरोक्स निकालने पर इसका प्रिंट बहुत हल्का आता है, तो इस तरह से डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनलिटी बरकरार रहती है और किसी भी तरह के फ्रॉड के चांसेस कम हो जाते हैं। नंबर 8, द होल इन द वॉश बेसिन। दोस्तों आपने अपने वॉश बेसिन में इस तरह का एक एक्स्ट्रा होल जरूर देखा होगा। आपको लगता होगा कि ये शायद कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, लेकिन ये सच नहीं है। तो क्या आपको इस होल का असल पर्पस पता है? चलिए हम आपको बताते हैं। असल में दोस्तों इस एक्स्ट्रा होल के दो पर्पस होते हैं। पहला, ये होल वॉश बेसिन में पानी के ओवरफ्लो को रोकता है, यानी वॉश बेसिन में जब पानी हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो इस छेद से बाहर निकल जाता है, और दूसरा ये होल एयर पास करने में भी मदद करता है ताकि किसी भी तरह के ब्लॉकेज को रोका जा सके। नंबर 7, डेकोरेटिंग एंड ड्राइंग आईज ऑन ट्रक्स। ये है एक नॉर्मल ट्रक और ये है एक ट्रॉपिकल इंडियन ट्रक, दोनों में बहुत फर्क है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इंडियन ट्रक्स इतने सजे हुए क्यों होते हैं? असल में दोस्तों ट्रक्स चलाने वाले ड्राइवर्स की जिंदगी का ज्यादातर वक्त इन्हीं ट्रक्स में गुजरता है, इसीलिए वो अपने ट्रक्स को अपने घर की तरह सजाते और सवारते हैं ताकि उन्हें घर जैसी फीलिंग मिले। इसके अलावा ट्रक से ही उनकी अर्निंग होती है, इसीलिए वो अपने ट्रक्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। कुछ ट्रक ड्राइवर्स तो अपने ट्रक को अपनी सेकेंड वाइफ तक बोलते हैं। वैसे ट्रक को सजाने का एक लॉजिकल रीजन ये है कि अगर कोई इन ट्रक्स को चुरा भी लेता है तो इस तरह की सजावट और पेंट को हटाना उन चोरों के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। इसके अलावा आपने ट्रक्स के ऊपर ये आंखें बनी हुई भी देखी होंगी। क्या आप जानते हैं इन आंखों को बनाने का क्या पर्पस होता है? असल में दोस्तों इन आंखों को बनाने से लोगों का मानना है कि ट्रक को कोई बुरी नजर नहीं लगेगी। वेल, जब ट्रक्स इतने खूबसूरत होंगे तो नजर लगने के चांसेस तो बहुत ज्यादा होंगे ही। नंबर 6, कलरफुल सर्कल्स ऑन न्यूज़पेपर एंड स्नैक्स। न्यूज़पेपर के कॉर्नर पर अक्सर आपने इस तरह के कलरफुल सर्कल्स देखे होंगे। वेल, अगर आप न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ते हैं तो स्नैक्स तो खाते ही होंगे। स्नैक्स के रैपर पर भी इस तरह के कलरफुल सर्कल्स बने हुए होते हैं। असल में दोस्तों न्यूज़पेपर और बड़ी वेफर कंपनीज के लिए ये कलर्स बहुत मायने रखते हैं। ये तो आप भी मानेंगे कि जो चीज जितनी ज्यादा कलरफुल होती है उतनी ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है, तो इसी बात को ध्यान में रखकर इन कलरफुल सर्कल्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे न्यूज़पेपर पर जितने भी कलर वाले सर्कल्स बने होते हैं उसका मतलब होता है कि उस पेपर में उतनी ही डिफरेंट इंक्स का इस्तेमाल किया गया है, और स्नैक्स के पैकेट पर भी ये सर्कल्स बताते हैं कि रैपर पर कितने रंगों का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा कलरफुल सर्कल्स पैकेट्स की क्वालिटी को मेजर करने के लिए बनाए जाते हैं। जब भी किसी पैकेट पर बने सर्कल का कलर बाकी के ऑथराइज्ड कलर से नहीं मिलता है तो उसका प्रोडक्शन वहीं रोक दिया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि गूगल ने एक बार अपने प्लेटफॉर्म पर सर्चेस का कलर ब्लू से बदल कर पर्पल कर दिया था, जिसके बाद गूगल को $200 मिलियन का प्रॉफिट हुआ था। ये सब रंगों का ही खेल होता है दोस्तों। वैसे अगर आपको वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो दोस्तों हमारा एक एम है कि हमें जल्द ही 200 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमारा ये एम अचीव करने में हमें सपोर्ट करो। थैंक यू। नंबर 5, लैग्स ऑन एन एप्पल पावर केबल अडैप्टर।
एप्पल अपने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स और यूनिकनेस की वजह से बहुत मशहूर है। एप्पल हमेशा अपने नए प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ नया इन्वेंट करता है, लेकिन बहुत बार लोगों को पता ही नहीं होता है कि एप्पल के प्रोडक्ट्स में क्या क्या यूजफुल फीचर्स इनबिल्ट हैं। ऐसा ही एक फीचर है एप्पल के लैपटॉप का चार्जिंग अडेप्टर, जिसके अंदर ये दो लेग्स होती हैं। असल में इन दो लेग्स का पर्पस चार्जिंग केबल को रैप करने का होता है। इस तरह से केबल कभी उलझती नहीं है और हमेशा अच्छी कंडीशन में बनी रहती है। ये दो लेग्स अडेप्टर के अंदर होती हैं, जिसको आप प्रेस करके बाहर निकाल सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि बहुत बार लोगों को पता ही नहीं होता है कि अडेप्टर के अंदर ये दो लेग्स हैं, जो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। नंबर 4, टैब ऑन रियर व्यू मिरर ऑफ ए कार। दोस्तों, कार ड्राइविंग तो सभी करना चाहते हैं, लेकिन अच्छी ड्राइविंग कुछ ही लोग कर पाते हैं। इसके अलावा अच्छे से अच्छे एक्सपीरियंस ड्राइवर्स को भी कार के अंदर मौजूद कुछ फीचर्स के बारे में पता नहीं होता है। जैसे, क्या आप जानते हैं कार के रियर व्यू मिरर पर एक टैब लगा हुआ होता है, जो पीछे से आने वाले कार्स की शार्प बीम लाइट को डिफ्लेक्ट कर देता है और क्लीन विजिबिलिटी को भी मेंटेन करता है। तो ये टैब एक सेफ्टी फीचर होता है। नंबर 3, व्हाई डज स्पोर्ट्स प्लेयर वेयर दीज बैंड्स इन हैंड्स। आपने नोटिस किया है, सभी स्पोर्ट्स में प्लेयर्स अपने हाथ में बैंड्स पहनते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि प्लेयर्स आखिर इन्हें हाथ में क्यों पहनते हैं? असल में दोस्तों, ये बैंड्स पसीने को सोखने के लिए पहने जाते हैं। अगर खेलने के दौरान किसी भी खिलाड़ी को पसीना आएगा तो उनके हाथ फिसलने लगेंगे और वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा क्या आपको पता है, ODI और T20 क्रिकेट में व्हाइट और ग्रे कलर्स के बैंड्स बैन है। जी हाँ, ये सच है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि ODI और T20 क्रिकेट में व्हाइट कलर की बॉल का इस्तेमाल किया जाता है, और अगर प्लेयर भी व्हाइट बैंड पहन लेते हैं तो बैटिंग करने वाले प्लेयर को बॉल देखने में कंफ्यूजन हो सकती है। इसके अलावा ये बैंड्स बॉल को शाइन करने में भी मदद करते हैं, जिससे बॉल अच्छे से स्पिन करने लगती है। नंबर 2, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर बॉक्सेस ऑन टूथपेस्ट ट्यूब क्रीम। ब्रश तो आप डेफिनेटली रोज करते ही होंगे, तो क्या आप भी रोज ब्रश करते वक्त सोचते हैं कि आखिर टूथपेस्ट की ट्यूब्स पर ये कलरफुल स्क्वायर या रेक्टेंगुलर बॉक्सेस क्यों बने हुए होते हैं? वैसे तो कुछ लोगों का मानना है कि इन कलरफुल बॉक्सेस से पता चलता है कि उस पेस्ट को बनाने में किन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इस बात में बिल्कुल सच्चाई नहीं है। असल में दोस्तों, ये बॉक्सेस मैन्युफैक्चरर्स की मदद के लिए बनाए जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के दौरान सभी ट्यूब्स एक बीम लाइट मशीन से होकर गुजरते हैं, जिसमें इन बॉक्सेस की शेप से ही पता चलता है कि ट्यूब को काटने की, सील करने की या फोल्ड करने की जरूरत है या नहीं। ये बॉक्सेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का एक पार्ट होते हैं। नंबर 1, नंबर्स मेंशन्ड ऑन इमेजेस एंड डॉक्यूमेंट्स शेयर्ड वाया व्हाट्सएप। क्या आप जानते हैं व्हाट्सएप पर शेयर की जाने वाली इमेजेस या डॉक्यूमेंट्स पर इस तरह के नंबर्स क्यों लिखे हुए होते हैं? दोस्तों, आपको लगता होगा कि ये नंबर्स ऐसे ही रैंडमली लिखे हुए होते हैं, लेकिन ये सच नहीं है, बल्कि इन नंबर्स का अपना एक इम्पोर्टेंट पर्पस होता है। असल में इन डॉक्यूमेंट्स या इमेजेस पर नंबर्स इस तरह से लिखे हुए होते हैं, जिसमें पहले लिखे लेटर से पता चलता है कि ये कोई इमेज है या डॉक्यूमेंट, और फिर उसके बाद लिखे 8 नंबर्स ये बताते हैं कि फोटो किस दिन ली गई थी, जैसे 20210925। इस नंबर के मुताबिक ये फोटो 2021 में सितंबर की 25 तारीख को ली गई थी। इसके अलावा लास्ट के 6 नंबर्स फोटो क्लिक करने का वक्त बताते हैं, जैसे 194738। इसके मुताबिक फोटो 7:47 और 38 सेकंड पर ली गई थी। तो दोस्तों, अब आप इस तरह से देखकर बता सकते हैं कि फोटो किस दिन और कब ली गई थी। तो दोस्तों, अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप आगे भी ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, ताकि हमारी फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। सो टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।